इधर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एस के सिंघल ने मौजूदा दौर में लड़के लड़कियों द्वारा अपनी मर्जी से शादी करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर चिंता जताई। एस के सिंघल गुरुवार को समस्तीपुर में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजकल एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां लड़कियों ने माता पिता की सहमति के बिना शादी के लिए घर छोड़ दिया, इसके बाद दुखद परिणाम निकलते हैं। उनमें से कई की हत्या कर दी जाती है, जबकि कुछ लोगों को जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वो जिंदगी में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। ऐसे फैसलों की कीमत उनके माता पिता को चुकानी पड़ती है। डीजीपी ने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा कि माता पिता बेटा बेटी से अच्छे से बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें अच्छे संस्कार दें और अपने परिवार को बहुत मजबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें। ध्येय पर पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहिए। एक और समस्या जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी के करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं, मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता जिंदगी में, वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है और उसका बहुत ज्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। मैं अनुरोध करूंगा कि बेटा बेटी से लगातार बातचीत करें, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझें और अपने परिवार को बहुत मजबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।